नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी देख रहे हैं वाराणसी का मणिकर्णिका घाट। आप देख सकते हैं घाट पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। बने रहिए वीडियो पर अंत तक, हम आप सभी को घाट से लेकर गली तक का पूरा नज़ारा आज के इस वीडियो में दिखाएंगे। आइए बिना देरी किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वाराणसी का मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जहां पर 24 घंटे दाह संस्कार किए जाते हैं, और इसके अलावा हरिश्चंद्र घाट पर काशी के 84 घाटों में चर्चित एक घाट का नाम मणिकर्णिका घाट है। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ दाह संस्कार होने पर व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण अधिकतर लोग अपने अंतिम समय में काशी के इसी घाट पर आना चाहते हैं। यहाँ पर एक शिव जी की मंदिर भी है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। हिंदुओं के लिए इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया है। इसी घाट पर पहुंचकर ही जीवन की असलियत के बारे में पता चलता है। इस घाट की विशेषता है यहाँ चिता की आग कभी शांत नहीं होती है, यानी हर समय किसी न किसी का सौदाह यहाँ होता रहता है। मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार के लिए बनारस के कोने कोने से लोग आते हैं। यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ आने वाले लोग यहाँ पर अपने वाहनों को खड़ा कर घाट तक जाते हैं। मनुष्य के जीवन का सफ़र काफ़ी लंबा होता है। जीवन के समय में काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इंसान पूरे समय धन दौलत के मोह में पड़ा रहता है, और जब सफ़र समाप्त होता है तब लोग उसके मोक्ष के प्राप्ति के लिए स्थान ढूंढते हैं, जो काशी के इसी मणिकर्णिका घाट में मिलती है। इस घाट पर आप सभी को दोनों साइड दुकानें भी मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लकड़ियाँ गाजी गई हैं, आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं।